हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एज वी ट्रैवल द वर्ल्ड में। थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है, यहाँ चलने वाली करेंसी थाई बात है, जो कि इंडियन रुपीस में देखें तो 2.3 इंडियन रुपीस के इक्विवेलेंट है। थाईलैंड घूमना ज़्यादा महंगा नहीं है, यहाँ पे आप अपना टूर महंगे से महंगा या सस्ते से सस्ता प्लान कर सकते हैं। थाईलैंड दुनिया का सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह देश न केवल अपनी आकर्षक समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ स्थित कई ऐतिहासिक जगह हैं जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसलिए यह देश पर्यटन की सूची में सबसे ऊपर आता है। अगर आप भी थाईलैंड देश की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। थाईलैंड में पूरे साल पर्यटक की भीड़ रहती है। आप साल में कभी भी थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन थाईलैंड घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल की शुरुआत तक है। इन महीनों में यहाँ का मौसम घूमने के लिहाज से काफी सुखद माना जाता है। थाईलैंड के मुख्य पर्यटन शहर हैं बैंकॉक, पटाया, फुकेट, करावी, को सत्समुई और हुआ हिन। इससे पहले हम बैंकॉक पटाया पे वीडियो बना चुके हैं, उसमें सारी डिटेल्स है। अगर आप भी वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फुकेट और करावी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फुकेट। थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित फुकेट आइलैंड थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान सागर में स्थित है। फुकेट थाईलैंड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। विशेष रूप से फुकेट अपनी खूबसूरत समुद्री तट, सफेद रेत, नीले साफ पानी और पानी के खेलों के लिए पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। साथ ही यह जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ और ताजे स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए भी जाना जाता है। जो लोग एकांत जगहों का तलाश करते हैं, उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ कई खूबसूरत और शांत जगह हैं जहाँ प्रकृति की मनोरम दृश्य को करीब से देखा जा सकता है। फुकेट में जो मुख्य स्थान है जहाँ हम घूम सकते हैं वो है फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, कोरल आइलैंड, फुकेट सिटी टूर, फुकेट फैंटेसी शो, सियाम निरामिस शो, साइमन कैबरेट शो, जून वात्रा, सनसेट क्रूज, डॉल्फिन बे फुकेट, खो शोक, डिस्कवरी विद बैम्बू राफ्ट, ट्रिकाई म्यूजियम। तो सबसे पहले हम फीफी आइलैंड के बारे में जानते हैं। फीफी आइलैंड थाईलैंड के सबसे मशहूर आइलैंड में से एक है। यहाँ आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ चारों तरफ बस खूबसूरत नज़ारे ही नज़ारे दिखेंगे। दरअसल फीफी 6 आइलैंड का एक समूह है। यहाँ दो मुख्य आइलैंड हैं, फीफी डॉन और फीफी ले। फीफी डॉन बहुत बड़ा है और ये अपनी तरफ हजारों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। फीफी ले भी कम खूबसूरत नहीं है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉकलिंग, कयाकिंग, स्विमिंग, डाइविंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बीचेस पर सनबाथिंग और गाने नाचने के लिए ये जगह काफ़ी मशहूर है। साथ ही कैंप फायर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा आपको यहाँ पर मौका मिलेगा कि विश्व भर से आए लोगों से मिल सके, जो आपकी तरह घूमने के लिए निकले होंगे, जिससे आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपना टूर एंजॉय कर सकते हैं। फीफी आइलैंड पर ही एक बीच है माया बे, जो कि द बीच फिल्म मूवी में दिखाया गया है और वहां से ही काफी फेमस हुआ। ये काफी खूबसूरत जगह है और पानी और जंगल से घिरी हुई है। दूसरा स्पॉट आता है फुकेट में जेम्स बॉन्ड आइलैंड 2। इस द्वीप का नाम 1974 में प्रदर्शित जेम्स बॉन्ड की फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन की शूटिंग के बाद प्रचलित हुआ, पर उसके पहले ये द्वीप खाओ फिंग कान के नाम से जाना जाता था। थाई भाषा में इस शब्द का मतलब है एक दूसरे पर झुकी हुई पहाड़ियां, और सच ही द्वीप के बीचों बीच के इस दृश्य को देख इस नाम का अर्थ समझ आ जाता है। आप सी कैनोए या लॉन्ग टेल बोट से यहाँ जा सकते हैं। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ सुंदर चूना पत्थर की चट्टाने, मैनग्रोव के जंगल बोट से देखते हुए आपको इस टापू से प्यार हो जाएगा। अगला फेमस जगह है कोरल आइलैंड 2। यह द्वीप फुकेट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आइलैंड कोरल रीफ से घिरा हुआ है। यहाँ व्हाइट सैंड बीचेस का आप लुत्फ ले सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स जैसे बनाना बोट, राइड, डाइविंग, पैरासेलिंग के लिए यह आइलैंड काफी फेमस है। अगला आता है फांगना बे।
यह बे लगभग फुकेट से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाते समय भी हमें मिलता है, लेकिन यह पॉइंट भी इतना अच्छा है कि लोग यहाँ अलग से जाना भी पसंद करते हैं। यहाँ सी कैनोए से जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट और दोनों तरफ चूना पत्थर से बनी हुई चट्टानें अपनी नाव से देख सकते हैं। अगला जो टूर हम फुकेट में कर सकते हैं वो है फुकेट सिटी टूर। फुकेट सिटी टूर लगभग 6 घंटों का टूर होता है। इसमें आप फुकेट टाउन, बीचेस और आइलैंड घूम सकते हैं। कुछ पॉइंट जो आप कवर करते हैं उनमें से ज़्यादा फेमस है बिग बुद्धा स्टैचू, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से फुकेट टाउन और आइलैंड्स का बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। इसके अलावा है वाट चालांग टेम्पल, प्रेम द कैफ। नेक्स्ट अट्रैक्शन आता है फुकेट फैंटेसी शो। फुकेट फैंटेसी शो लास वेगास की स्टाइल का एक थाई कल्चर शो है। यहाँ आप थाई कल्चर, लाइव परफॉर्मेंस, मैजिक, परफॉर्मिंग एनिमल्स, स्टंट्स, एरियल परफॉर्मेंस 4D इफेक्ट के साथ देख सकते हैं। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक और शो है थाईलैंड में फुकेट में, सियाम निरामिस शो। यह भी थाई कल्चर को दिखाता हुआ एक शो है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंस होती हैं। इसमें डांस, कल्चर शो, परफॉर्मेंसेस का आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट है साइमन कैबरे शो। यह एक कैबरे शो है। इसमें देखने लायक चीज़ ये है कि इसमें जितने भी कलाकार होते हैं वो लेडी बॉय होते हैं, जिनका आपको पहले से पता ना हो तो पहचान भी नहीं सकते। नेक्स्ट अट्रैक्शन है जून बात्रा सनसेट क्रूज। इसमें आप ट्रेडिशनल जंक बोट में क्रूज करते हैं और क्रूज के साथ डिनर का मजा लेते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन बे फुकेट। यह लगभग 1 घंटे का शो है जिसमें आप डॉल्फिन को उनके ट्रेनर्स के साथ करतब करते हुए देख सकते हैं। अगर आपको डॉल्फिन देखना पसंद है तो ये काफी अच्छा शो होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट अट्रैक्शन है खाउस सोक डिस्कवरी विथ बैम्बू राफ्ट। इसमें बैम्बू से बनी हुई बोट पर हम सोक रिवर में सेल करते हैं। सोक रिवर खास सोक नेशनल पार्क से होकर निकलती है। इस नदी पर सेल करते हुए विजिटर सीनिक व्यूज देख सकते हैं। यहाँ लाइमस्टोन की चट्टाने, गुफाएं, जंगल और जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन है ट्रिकाई म्यूजियम। यहाँ 3D पेंटिंग्स आप देख सकते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए काफी ट्रिकी होती है। थाई मसाज। आप थाईलैंड के किसी भी शहर में घूम रहे हो, चाहे वो फुकेट हो, बैंकॉक हो, पटाया हो या करावी हो, हर जगह थाई मसाज फेमस है जो कि आपको जरूर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। थाईलैंड का जो अगला फेमस शहर है वो है करावी। करावी थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में एक बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक शहर है। यह अपनी अद्भुत समुद्री तटों, प्राकृतिक दृश्य और चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सफेद रेत से ढके व्यापक समुद्र तटों और शांत वातावरण के अलावा घने हरे भरे जंगल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। करावी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है और जो लोग एकांत और शांत जगहों पर तलाश करते हैं उनके लिए यह सबसे अच्छी जगह हो सकती है। करावी के जो मेन अट्रैक्शन है या जो जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं वो है करावी 4 आइलैंड टूर, करावी 7 आइलैंड टूर, हॉट स्प्रिंग एंड जंगल टूर, फुल डे सी केव कैनोए, जंगल सफारी एट खासोक, हाफ डे ट्री टॉप एडवेंचर, हाफ डे सी कायाकिंग एंड स्नॉर्कलिंग एट को हॉन्ग, जिप लाइन एट आना एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं करावी 4 आइलैंड टूर। यह 4 आइलैंड्स का टूर है जिसमें हम हर एक आइलैंड्स पर जाते हैं। चारों आइलैंड्स के नाम हैं फ्रा नांग केव, टप आइलैंड, चिकन आइलैंड एंड पोडा आइलैंड। यहाँ आप वाइट बीचेस, स्विमिंग इन क्रिस्टल क्लियर वाटर, स्नॉर्कलिंग, कोरल्स और फोटोग्राफी को एंजॉय कर सकते हैं। अगला है करावी 7 आइलैंड टूर। यह 7 आइलैंड का टूर है। इसमें हम 3 आइलैंड्स एक्स्ट्रा कवर करते हैं। यहाँ भी वाटर स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी और बीचेस का मजा लिया जा सकता है। हॉट स्प्रिंग जंगल टूर। इस टूर में करावी के 3 सुंदर साइट्स को घूम सकते हैं। सबसे पहले हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद क्रिस्टल पूल में स्विमिंग का आनंद लिया जा सकता है और लास्टली बुद्धिस्ट टाइगर केव टेम्पल विजिट करते हैं।
सबसे अच्छे व्यू के लिए माउंटेन टॉप पर पहुंचकर अंडमान सी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। अगला है जंगल सफारी एट खाओ सोक। यह सफारी हम फुकेट से भी कर सकते हैं और कराबी से भी कर सकते हैं। इस पुराने रेन फॉरेस्ट में आप चलकर इस जंगल को एक्सप्लोर करते हैं, सोक रिवर में केनोए से सेल करते हुए भी जंगल और वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। अगला है हाफ डे ट्री टॉप एडवेंचर। लाइमस्टोन पत्थर और घनी जंगल के बीच बना यह ट्री टॉप एडवेंचर पार्क काफ़ी अच्छा है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ आप टार्जन स्विंग्स, स्केट बोर्ड्स और जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाफ डे सी कायाक, ये भी एडवेंचर टूर है जिसमें काइकिंग करते हुए मैनग्रूव फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगला अट्रैक्शन है काइकिंग एंड स्नॉकलिंग एट को हॉन्ग। यहाँ पे आप स्नॉकलिंग एंड केनोए या काइकिंग कर सकते हैं और बीचेस का लुत्फ उठा सकते हैं। अगला है जिपलाइन एट पावनांग एरिया। कराबी फन पार्क में जिपलाइन एडवेंचर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसे करते हुए हम एक्साइटमेंट के साथ साथ कराबी का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। कराबी के व्हाइट सैंड बीचेस पर घूमना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो आप इनको भी अपने टूर के दौरान एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आपके थाईलैंड टूर को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।